प्रकाशन। चल माई के दुअरिया जय जय लेला नरियर चुनरिया लेला नरियर चुनरिया चल माई के दुअरिया नेह लगा के पूजिय चरनिया ने लगा के पूजिय चरनिया हो अरजी लगैया हथवा जो ए भौजी लैका होई अच्छा भैया अजय यादव की देखरेख में और हमारे बेचू कवि जी के माध्यम से हम ई बिरहा के प्रस्तुत करत बाने। बिरहा का शीर्षक मैहर की महिमा। लेकिन बाबूजी हम गायक विशेषर भारती ग्राम जफरपुर अखंड नगर जिला सुल्तानपुर मोबाइल नंबर 94524426। आवा मास्टर स्वर्दा बाबूजी प्रस्तुत है गौर करेंगे। परम ब्रह्म से बड़ी पिता जग में होता अरे बाबा चारों धामों से न्यारी है माता कहाती अरे बाबा भले भीख मांगे या सो जाए भूखे मगरी लाल को छीर अपना पिलाती भाव भक्ति स्नेहति अगर लाल हो अरे बाबा मात पित शक्ति तन मन धर्म से निभाता अरे बाबा अगर बेचु मिल जाए सच्ची इबादती पुनर्जन्म में भी नहीं भूल पाता परम ब्रह्म से बड़ पिता जग में होता बाबा चारों धामों से नारी है माता कहते बाबा भले भीख मांगे या सो जाए भूखे मगर लाल को छीरी अपना पिलाती ए बाबू बेटा कुबेटा हो जाला लेकिन माई कुमाई ना होले कितनी बड़ी भी ना मुसीबत आ जाए माँ के ऊपर बाबूजी बाबा लेकिन माँ भूखे सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को अपने लाल को अपने बेटे को बाबा अपना आस्तंग जरूर पिलाती है बाबू लेकिन बाबू कवाली के टुकड़ा लगल का मेरे खून दिल की मेहंदी अरे मेरे खून दिल की मेहंदी लगा
लगाना निकले मेरा जनाजा निकले मेरा जनाजा बाबू कवि की लेखनी दर्शा क्या रही है। कभी 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 लोग ऐसी बात लिख देते हैं ये बाबू कि बत्तिये में आंसू छल छला जाला। का ममता मई मतारी हरे ममता मई मतारी बेटे को ना भुलाना बेटे को ना भुलाना कैसा हो बेटा मैया कैसा हो बेटा मैया अपना भजन भाना कैसा हो बेटा मैया अपना भजन भाना ये बाबू माई की बात बा कि माई कुछ नहीं लेकिन आज के युग में का बा केवल जौने बात तौने कुछ आगे बा माई कहाँ बाड़े बाबू कहाँ बाड़े पता नहीं बा लेकिन बाबू जी यहीं से कहानी के शुरुआत भे कहानी के शुरुआत बचला आवादा बा काली माई बैठा हमरे अंगना दिब सतरंगिया बिछाया गैया के घ्यूआ से हमवा करइबे अंगने चौक लेकिन बाबूजी बिरहा में कवि जी लिख लें का कानीपुर सहरिया में यादव राजी वंश रहले दुधवा के करें रोजी गार के अले चौथा पनवा पैदा भैले तीसरा कुमार ए बाबू पर बात के समझला कानपुर शहर के रहने वाले यादव राजवंश दूध का रोजगार है बाबा कानपुर में लेकिन बाबूजी दो बच्चे पैदा हुए भगवान की देन से लेकिन दोनों बाबूजी नहीं रहे भगवान के प्यारे हो उठे लेकिन काफी दिन बीत गया दूध का रोजगार बहुत ज्यादा है सब कुछ भरल बा घर में लेकिन बाबू कोनो काम के नहीं बा काहे? लेकिन लोग माई मैहर देवी के बाबा दर्शन करे की जात बने और आदमी लोग कहले लगे यादव जी से ए भैया राजवंश
तुहू चलता माई मैहर देवी के धाम, थोड़ा दर्शन करता। अरे लोग मांगल ने पावल ने बाबा, अरे तुहू मगता तो तुहू कुछ पौब ने करता भैया। नहीं भैया का बताएं, कुछ समझ में नहीं आवत बा कि राजपाट ये सब कुछ का होई, के दियाई बाबा। लेकिन बाबूजी सबके कहने पर वो भी चल पड़े बाबा। गए वहां पर बड़ी मनौती किए कि ये माई हमहू की एक पुष्प एक सुंदर फूल दे देबा, दे देबू माई, तो हमहू माई तुहार जीवन भर गुण गाई माई। यही में बाबूजी का भेल वहां से वापस लौटे बाबा। जब वापस लौटे बाबूजी बाबा, तो कुछ दिन बीता तो एक फूल खिला। आठ बरिसवा के भैली जब उमरिया, घटना घटल बरिया से वापस लौटे। कुछ दिन के बाद तीसरा बच्चा जब पैदा होता है, धीरे धीरे बाबूजी 7-8 वर्ष का जब हो जाता विद्यालय भेजा जाने लगा, स्कूल जा रहा है बच्चा बाबा। लेकिन बाबूजी रास्ते में एक दिन घटना घट जाती है। घटना घटती है किस समय कि जब वह बच्चा स्कूल जा रहा है, तर्ज लगल बिरहा में का बार मास्टर। अरे गोरी गैली पियावा के दे, अरे गोरी गैली पियावा के दे, रोवे माल में तवा। अरे बगिया में लाग गई लियाग, अरे बगिया में लाग गई लियाग, रोवे सोन चिरई। बाबू रास्ते में जब बड़े लाड प्यार से उसका नाम दीपक रखे थे बाबूजी, रास्ते में जब बाबूजी एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उठा करके अस्पताल में भर्ती करते हैं, वहां से संदेश देते हैं घर पर माता पिताजी को बाबा। इधर से बाबूजी माता पिताजी भी चल दिए। काफी दिन बीत जा रहा है, दवा चल रही है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं, कोमा में है, होश ही नहीं हो रहा है। फिर माई मैहर देवी के उनके याद आयल के माई बाबू के, तर्ज लगल का काली माई हो, और जोर में काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के बहू मलिला।
वो जाके वो जाए दे दे सुख के सुखाई। काली माई हो, काली माई हो तो ना इनके बहुंगा लीला। मैहर वाली हो, मैहर वाली हो सुनीला की हऊ तुम्हार। एक बेर जीवन दान दे दो बचाव के जान दे दा। एक बेर जीवन दान दे दो बचाव के जान दे दा। एक बेर जीवन दान दे दो बचाव के जान दे दा। एक बेर जीवन दान दे दो बचाव के जान। मैहर वाली हो, मैहर वाली हो सुनी लकी हबू तू महान। कने की माई, माई केवल जीवन दान दे दमाई, हमरे बचवा की होश में कदम आई। बड़ी महान हूँ माई, लेकिन बाबू तेरी के भाव लगल बाबा। किमती आप मैहर वाली के रही। अरे मिलल ज्ञान दान में पुनर्जन्म के बतिया। ये बाबू कि मतिया मैहर वाली के रही। मिलल ज्ञान दान में पुनर्जन्म के बतिया कि मतिया मैहर वाली के रही। ए भैया, ए जन्म के ना ओ जन्म के बात याद आयल। बारे माई जगदम्मा मैहर वाली, लेकिन तर्ज लगल बिरहा में का। कि बाबू, कि बाबू दरोगा जी, कि बाबू दरोगा जी, कवन गुनैया पियावा बनला। लेकिन ये बाबू हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, बेटा ये कौन है बाबा? लाल ये कौन है? लेकिन बाबूजी उस समय बच्चा होश तो हुआ है, लेकिन इस जन्म का नहीं बाबूजी, उस जन्म का बता रहा है बच्चा। मैं नहीं पहचान रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। डॉक्टर साहब बता दें तुम्हारे माँ है, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन बच्चा केवल ना के सिवा और कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन पूरा अस्पताल हवाक हो जाता है, हवाक हो गया बाबूजी। लेकिन वह बच्चा रो रो करके कह क्या रहा है कि डॉक्टरी बाबू हो। डॉक्टर बाबू हो, हमके पगला कैलक का संसार। और अपना मोती तुई को बेटा, मेरा नारी हमारी डॉक्टरी बाबा। डॉक्टरी बाबू हो, हमसे पगला कैलाश।
ए साहब हमरे गांव के नाम सिलोरी बा, हमरे बाबू के नाम बाबू केसर सिंह बा, हमरे भाई के नाम गौतम बा, हमरे दुई गो लड़का हुए साहब जेकर नाम पन्ना मोती बा। ए साहब हमारे गांव झांसी बा, झांसी जिला बा, लेकिन ए बाबू पूरा अस्पताल हवाक है, लेकिन राजवंश यादव यही सोच सोच कर परेशान है। देखते देखते काफी दिन बीत गया बाबूजी, काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन उनके दिमाग में आता है क्या करूं, बाबू केसर सिंह के नाम पत्र लिख लिख करके भेजने लगे। लेकिन उस पत्र में लिखे क्या, क्या बिरहा में तर्ज लगल का, का? अरे रोव नहीं हरावा के लोग सखिया रे बाबा विधवा करउ ले बाबूजी पत्र में लिख लिख कर राजवंश यादव बाबू केसर सिंह के नाम भेज क्या रहे। अरे केसर सिंह के नाम लिखे, अरे राजवंश पतिया, अरे केसर सिंह के नाम लिखे, अरे राजवंश पतिया भतीजा बेधाता बाटे। उनके नाम लिखे पत्र की एक बात हमरे छाती में चुभत बा भैया, एक दिन आवता बाबू हमारे भवना। बाबू एक पत्र नहीं चार छह पत्र गया बाबा। जब चार छह पत्र पहुंचता है तो एक दिन बाबू केसर सिंह सोचने लगे कि भैया के बाई कानपुर के रहे वाला बार बार हमरे नाम ही पत्र भेजत बा कि तुहार लड़का ऐसन बा वैसन बा, हमार लड़का तो ऐसन हो गया बा। लेकिन बाबू जी वहां से दो चार आदमी लिए और ले करके बाबू जी कानपुर आ पहुंचे। पते के माध्यम से पूछते पूछते उनके दरवाजे पर पहुंचे, पानी दाना होता है। इसके बाद राजवंश यादव को बुलाए, बोले ये भैया वो लड़का कहाँ बा जौने के बार बार पत्र में तू लिख लिख के पत्र भेजत बा। ये बाबूजी आंगन में बच्चा वा खेल रहा है, आंगन में खेल रहा है बाबूजी, लेकिन राजवंश यादव जाते हैं हाथ को पकड़ करके जैसे बाहर ला दे। बच्चा देखता है चिल्लाते हुए बाबूजी बाबू केसर सिंह के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन तर्ज लगल का अरे कैदा
मैया जी से कही के मरे गवना बाबू तो सब जनते बा और गौते बा लेकिन बिरह में का लगल ये बाबू वह बच्चा दौड़ते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए पिताजी के ऊपर बाबू केसर सिंह के ऊपर टूट पड़ता है। अरे कैसे भूलैला बाबू, अरे कैसे ए बाबू कैसे हाथे की टिगुनी भूल गईला बाबू। हमारे माई शांति देवी कैसे हैं बाबू, मार बड़का भैया गौतम कैसे हुए बाबू, मार पन्ना मोती दोनों बेटवा कैसे हुए बाबू, मार मिला दुल्हन कैसे हुए पापा। ए बाबू लेकिन बाबूजी बाबू केसर सिंह के कलेजा फटे लगल। जब फटने लगा बाबूजी जैसे उरौने के पानी सावन में चुएला उसे दोनों जन के आंखों से बरसात होत बा। लेकिन ए भैया पापट के भाव लगल। अरे सुन के बात तब लगल कलेजे बान जान जब चल जाई आगे जी तू बचवा करा बदान जान अब चल जाई। पन्ना मोती अब ही बाटे न दान जाने अब चल जाई, राज वंश सुन के हुए हैरान जाने अब चल जाई। ये बाबू रो रो कर बाबू केसर सिंह बतौले के बिटवा बस बेटा बस बस बेटा बस इतने पे बस करा मत रो, तुहार मतारी ठीक बा, पन्ना मोती तुहार दोनों बेटा ठीक हुए, तुहार औरत मीरा दुल्हन रणसारी पहनले बा। लेकिन ये बाबूजी गले से गले मिले हैं, रो रहे हैं, कानपुर के लोग राजवंश यादव के हित मित बगल वाले देख रहे हैं लेकिन परेशान है सब। वहां से हुआ क्या, क्या आला में प्रमाण मिले। चल ले अरे चल ले केसर सिंह के तब ललनवा भैया बाबा राजवंश यादव हित मित साथी समय से पहुँचल से लोरी गाँवा में बाबू देख के गोविंद के देख के गोविंद सिंह रावत है हवा
ए बाबू पापा पापा इहे नबा राजवंश यादव साथ में है, दो चार आदमी लेकर के बाबूजी साथ में जा रहे हैं, लेकिन जब बाबूजी बच्चे को लेकर के बाबू केसर सिंह चल रहे हैं गांव के समीप पहुंचते हैं बाबा। तो उस समय जब सिलौरी गांव के पास पहुंचे तो गोविंद सिंह और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पापा पापा ये पापा ये फलाने की द्वार बना पापा, ये फलाने भैया के द्वार न बा पापा, ये उनके न मकान बा पापा, बड़का बाबू के द्वार बना पापा, पापा इन्हीं के घरे बारात न आए रहल पापा, इन्हीं के वास्ते हम बाजार जात रहली पापा, लेकिन आनी पानी आई गल आनी पानी आई गल वही हो बकतिया पापा। ये पापा अशोक भैया इन्हें के वास्ते हम बाजार जात रहली पापा, इन्हें के घरे बारात आ रहा पापा, पापा हम सामान लेवे बदे जात रहली, अशोक भैया साथ में रहले, वह समय आने पानी आ गेल पापा, वह समय आने पानी आ गेल पापा, बिजली के तार गिर रहा पापा, हम मना कैले अशोक भैया, लेकिन हमार हम मलने नहीं, हमार पाँव पे पड़ गेल, इतने पे पप्पा हम गिर गईली, लेकिन जब गिर गईली पप्पा छपटिया लगली जब, लेकिन एकरे बादी का भेल हमें कुछ नहीं पता पप्पा, लेकिन खड़ी लगल आबा बारू माई बाबा। अरे कैसे जियत बारू माई गोबिना के भुलाई के, कैसे जियत बारू माई बाबू। जैसे बाबूजी दरवाजे पर पहुंचते हैं माँ को देखता है गोविंद, पांव पर गिर पड़ता है, गांव के गांव में तहलका मच जाता है, तहलका मचने के बावजूद बाबूजी पूरे एकत्रित गांव के लोग हो जाते हैं, लेकिन पन्ना मोती निरीक्षण अपने बाबू के चेहरा मेरा देवी मगिया में बराली से दूरावा बाबू। पन्ना मोती अपने पिता का गोविंद का चेहरा देखते हैं, वो भी दौड़ पड़ते हैं, लोग बताते हैं तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे पापा हैं बाबा। ये बाबू उन दोनों लड़के जाके घेर ले लें, मीरा देवी मांग में सिंदूर भरती हैं बाबूजी, लेकिन वहीं पर सुहागन बनती हैं। रोमा राजवंश यादव बेटा जिन भूलई हा, अरे मौके दरे मौके बेटा घर चली आई हा।
रज बधैया अपने अरे माई के तू आके कैसे जियत बाड़ू माई, अरे कैसे जियत बाड़ू माई गोबिना के बुलाए के राजवंश यादव करें बेटा रोते हुए बाबूजी आंखों से आंसू आ रहा है बाबा बेटा मत भूलिया बेटा यो तोहरे बा हम तोहरे बाटी बेटा लेकिन और राजवंश यादव का कहले कैले मनौती माई मैहर के पुकारी बाबा चलता बेटा साथे दे बरावा उतारी अरे चलल परिवार साथे अरे गौआ कैसे जियत बाड़ू माई को बिना के बुलाए के कैसे जियत बाड़ू राजवंश यादव उस समय बाबूजी कहते हैं बेटा यही नहीं वो भी तुम्हारा ही घर है बाबा यह तोहर माई बाप हुए तो हम तोरे माई बाप है बेटा तोरे भरोसे ई नैया बा लेकिन ये बाबू माई मैहर देवी के हम मनौती कैले है चलता बेटाओ के भारत दोनों परिवार मिल करके बाबूजी माई मैहर देवी के दर्शन कैले आखिरी लाइन में कहना है बा। गुरुदिन मम राम सेवक सिंह शिव बदन की बानी कथन करे कवि हरिद्वार संग बेचू अंबिका ज्ञान अरे के मतिया मैहर वाली के रही बेचू बी से शर्माई से लगल प्रीतिया की मतिया मैहर वाली